दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य लगातार जारी है। यह एक्सप्रेसवे एक तरह का चलता फिरता चिड़ियाघर होगा, जहां जंगली जानवरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बिना जंगल सफारी के ही गुलदार, हाथी, चीता, बाघ जैसे जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। इस जंगल के ऊपर वाहन गुजरेंगे और नीचे जंगली जानवरों की आवाजाही बनी रहेगी। इसके लिए कॉरिडोर में जगह जगह पर अंडरपास बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जय 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें कुल 571 पिलर बनाने हैं, जिसमें से 450 पिलर बन भी चुके हैं। इन पिलर के बीच की दूरी 21 मीटर रखी गई है। एक्सप्रेसवे में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 12 किलोमीटर का होगा। राजा जी नेशनल पार्क के सटे इस कॉरिडोर में जानवरों की मुक्त आवाजाही होगी। पशु वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए गणेशपुर देहरादून सेक्शन में पशु मार्ग भी बनाए गए हैं। इस कॉरिडोर पर 2 एलिफेंट अंडरपास भी बन रहे हैं, जिसकी लंबाई 200 मीटर है। पशु वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए गणेशपुर देहरादून सेक्शन में पशु मार्ग भी बनाए गए हैं। इस कॉरिडोर पर 2 एलिफेंट अंडरपास भी बन रहे हैं, जिसकी लंबाई 200 मीटर है। वहीं अन्य जानवरों के लिए 6 अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके अलावा देहरादून के दत्तकाली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन्य जीवों पर वाहनों की आवाजाही के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई छोटे बड़े शहरों को आपस में जोड़ेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली से देहरादून का सफर, जो अभी लगभग 7 घंटे का है, वह समय घटकर केवल 2.5 घंटे का रह जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले 2 खंडों को आधिकारिक तौर पर साल के अंत तक दिसंबर 2023 में परिवहन के लिए खोल दिया जाएगा। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।